तो यार आज जो मैं ये पीसी बिल्ड करने वाला हूँ यार सच में एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है, क्योंकि यार इस पीसी बिल्ड का जो एटलीस्ट प्राइस है, मतलब ये जितने में बनने वाला है वो 30,000 रुपये के अंदर ही है। अब तो समझ सकते हो यार 30,000 रुपये के अंदर एक फुल बजट मतलब गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहा हूँ। तो अभी के समय में जो भी यार गेमर पैसे सेव कर रहे हैं एक अच्छा सा गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए, उसके लिए ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है। क्योंकि यार इस पीसी बिल्ड में मैंने यार जो जो कंपोनेंट लिए हैं ना वो सच में यार कीमतें तारीफ है। हाँ मैं गलत मुहावरा नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में कीमतें तारीफ है, काबिले तारीफ नहीं यार कीमतें तारीफ। क्योंकि यार ये पहले तो जिस प्राइस में आता है और यार जो आपको परफॉर्मेंस देता है यार सही में मतलब कोई टक्कर ही नहीं है उसका, ठीक है। मैंने इतने कम प्राइस में यार 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर, 1 8 GB का रैम और 500 GB का NVMe SSD लगाया है, और उसके बाद यार जो तुमको ये परफॉर्मेंस देता है ना वो सच में यार गजब है। क्योंकि ये तुमको यार GTA 5 जैसे जो गेम है उसमें तुमको 1080p नॉर्मल सेटिंग में 60+ FPS दे देता है, और यार अब तुम्हें क्या चाहिए इतने कम बजट में। और अगर तुम इन फ्यूचर थोड़ा सा और मनी सेव करके चाहते हो कि ये ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा लूँ, तो यार जब इसमें तुम अगर ग्राफिक्स कार्ड ऐड करोगे तो मैं यार चैलेंज तुम्हें कर सकता हूँ कि ये पीसी बिल्ड तुम्हें जो 50,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड है ना उससे यार मतलब कि आराम से टक्कर दे सकता है ये। और यार ये मैं कोई हवे में बात नहीं कर रहा यार, सच में फैक्ट है। नहीं तो तुम्हारे आसपास अगर कोई पीसी बिल्डर का दुकान होगा तुम उससे जाके यार ये कंपोनेंट वाला पीसी का मतलब स्पेक्स पूछना, उसके बाद तुमके यार तुमको पता चल जाएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो यार वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार हम आपके पैसा बचाते हैं ना कि यार कोई अदर कंपोनेंट मतलब खरीदवा के उसका पैसा बर्बाद करवाते हैं, क्योंकि यार हम वीडियो बनाते हैं बजट पीसी गेमर के लिए। तो चलते हैं इस पीसी बिल्ड के ऑल कंपोनेंट पे। तो देखो सबसे पहले मैं बोल दूं कि अगर तुम यार बजट में एकदम गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यार मैं तुम्हें प्रेफर नहीं करूंगा कि तुम अमेजन सबसे मतलब कि कंपोनेंट बाय करो, क्योंकि यार वहां पे जो ऑफलाइन मार्केट में जो प्राइस तुम्हें मिलती है उसे यार थोड़ा सा ज़्यादा तुमको ऑनलाइन प्राइस में देखने को मिलता है। तो अगर तुम यार बजट में पीसी बिल्ड करो तो जाओ यार ऑफलाइन मार्केट में पहले ट्राई करो, तुम्हें जहां सस्ता मिले, अगर ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो ऑनलाइन बाय कर लो, नहीं तो अगर ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है तो ऑफलाइन बाय कर लो। यार इजी सी बात है, तुम्हें तो यार पैसे सेव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पीसी के मदरबोर्ड पे। तो मैंने मदरबोर्ड लिया है गीगाबाइट का GA320MH। अब ये एक देखो यार M4 सॉकेट वाला मदरबोर्ड है, AMD के राइजन 3 और राइजन 5 जनरेशन जो है वो आराम से इसको सपोर्ट कर जाता है CPU, और इसमें जो है तुमको 2 RAM स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, और ऑन बोर्ड जो है तुमको NVMe SSD का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। बाकी बात अगर यार तुमको और स्पेक्स जानने हैं तो यार इसके बहुत से रिव्यू YouTube पे आराम से मिल जाएंगे, और मैं ज़्यादा स्पेक्स में नहीं घुसूंगा क्योंकि यार वीडियो लंबी हो जाती है और तुम वैसे भी पूरा देखते नहीं हो। तो यार ये जो मदरबोर्ड है तुमको अमेजन पर 200 या 300 के आसपास प्राइस में मिलेगा, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने इस पीसी बिल्ड में मैंने जो रैम यूज किया, तो रैम मैंने 8 GB का यूज किया, DDR4 और वो 3200 MHz हार्ड टच पर क्लॉक है, और ये आता है क्रूसियर की तरफ से बैलिस्टिक्स, ठीक है, क्रूसियर की तरफ से बैलिस्टिक्स आता है, और ये एक वाइट वाला है, इसमें RGB लगा है। तो मैंने यार चूज कर लिया RGB, क्योंकि यार तुम्हें मतलब RGB ज्यादा पसंद है, क्योंकि हर गेमर को पसंद है, तो इसलिए मैंने वाइट RGB एक ले लिया। और ये जो है 4341 रुपये में अमेजन पे मिलता है, ठीक है। और ये मैं कहूँगा कि ठीक है मैंने RGB लिया तो इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, तो ऑफलाइन में अगर तुमको यार सिंपल हीट सिंक वाला या फिर क्रॉस कॉर्सियर या फिर इसका अगर मिले दूसरे कंपनी का भी, तो यार वो भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करा तो तुम वो भी ले सकते हो, क्योंकि सबसे पहली बात तो तुम बजट में हो यार, पीसी कंपोनेंट पे ज़्यादा पैसा खर्चा करने से क्या फ़ायदा उसके लुक पे जब वो तुम्हें परफॉर्मेंस ही नहीं देता। हाँ अगर तुम्हें यार लुक चाहिए तब तो यार बहुत से तुम्हें वीडियो मिल जाएंगे जिसमें तुमको सिर्फ RGB पीसी बिल्ड मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मैंने जो इसमें SSD यूज किया, तो SSD मैंने जो है WDN वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से एक 500 GB का NVMe M.2 SSD आता है वही यूज कर लिया। अब ये इसका जो मॉडल नंबर है W2SN550 है, और इसकी जो यार तुमको रीड स्पीड मिलती है ना वो 2400 MB पर सेकंड है, और राइट स्पीड जो है वो 1750 MB पर सेकंड है, और 500 GB का है तो यार ज़्यादा तो शॉर्टेज नहीं होगी स्टोरेज की, अगर शॉर्टेज होगी तो यार मैं वैसे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो है ना 1 TB हार्ड डिस्क जो 720,000 मतलब 100 RPM पर क्लॉक है तुम उसे जाके बाय कर सकते हो, तो यार तुम्हारा दोनों ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये जो मतलब SSD है ये जो अमेजन पर 5,000 रुपये में आराम से मिल जाती है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऑफलाइन मार्केट में दूसरी कंपनी का भी मिले तो यार तुम वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यार उसके थोड़ा सा देख लेना वो 210 mm वाला फिर NVMe SSD या फिर 110 mm वाला, क्योंकि यार हमारे जो मदरबोर्ड है उसमें 210 mm का एक NVMe स्लॉट है।
अब आते हैं पावर सप्लाई पे। तो देखो मैंने पावर सप्लाई 550 वाट का पावर सप्लाई लिया। वैसे तो मैं ज़्यादातर जो बजट पीसी बिल्ड करता हूँ उसमें एक 450 वाट का पावर सप्लाई लेता हूँ, लेकिन यार मुझे ये ऑफर में मिल रहे थे और ज़्यादा पावर सप्लाई, तो यार ज़्यादा पावर सप्लाई थोड़े ना बर्बाद हो जाएंगे, उतने ही कम प्राइस में मिल रहे थे। ये मुझे जो है अमेजन पर 2,635 रुपये में मिल गए थे आराम से। और ये आता है जो है ना एनटेक की तरफ से, एनटेक का एटम VP550। अब देखो ये वाला जो पावर सप्लाई है ये मतलब हम अगर फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड करेंगे ना तो उसके लिए यार इनफ पावर सप्लाई, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है हमें। और मैं यार तुम्हें प्रेफर करूँगा अगर तुम यार ऑफलाइन मार्केट पर भी बाय करने जाओ पावर सप्लाई, तो ये तुम्हें 600 या फिर 700 रुपए के आसपास वाला पावर सप्लाई दिखेगा। तो यार मैं तुम्हें प्रेफर नहीं करूँगा वो वाला पावर सप्लाई, क्योंकि वो वाला पावर सप्लाई में यार तुमको गारंटी मतलब वैसी नहीं होती जैसे कि यार शॉर्ट सर्किट सब में वो तुमको वो पावर सप्लाई को तो कुछ नहीं होगा लेकिन तुम्हारा मदरबोर्ड की वाट लगा देगा, तो समझ जाओ। इसलिए यार कम से कम पावर सप्लाई में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके जो अच्छा पावर सप्लाई लो। तो मैं वैसे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो अब चलते हैं इस पीसी बिल्ड के मेन कंपोनेंट, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये पीसी बिल्ड कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो देखो मैंने इस पीसी बिल्ड में जो पहले तो प्रोसेसर लिया वो एक एपीयू है, मैंने सीपीयू यूज नहीं, क्योंकि बजट में आता है और अच्छी परफॉर्मेंस भी तुमको गेमिंग में चाहिए इन फ्यूचर अगर तुम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो। तो मैंने जो ग्राफिक मतलब सीपीयू लिया है वो आता है एमडी का राइजन 3200G, मैंने नहीं लिया है। अब बताओ मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार जब वो एमडी राइजन 3200G लॉन्च हुआ था तो वो यार 9000 के प्राइस में मिल रहा था, और अभी एटलीस्ट अभी जाके तुम अमेजन पे यार अमेजन पे तो मिलता ही नहीं, एमडी कंप्यूटर पे जाके प्राइस चेक करोगे तो वो तुम्हें 13000 रुपये में मिल रहा है। लेकिन और उसको जो स्पेक्स है 4 कोर 4 थ्रेड उसमें आता है, मतलब वो भी ठीक ठाक सीपीयू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब वो कम प्राइस का था तो वो बजट गेमर के लिए यार एटलीस्ट फेवरेट मतलब जिसको बोलते हैं फेवरेट चॉइस वो था, लेकिन मैं जो ये सीपीयू बता रहा हूँ ये आता है एमडी का राइजन 3 Pro 4350G। अब ये जो सीपीयू है ये जो है DIY मार्केट के लिए एमडी ने नहीं लॉन्च किया था, वो अपने प्रीबिल्ट पीसी के लिए एमडी ने लॉन्च किया था, लेकिन यार ये जेन्युइन मतलब एमडी कंप्यूटर जैसे साइट वेबसाइट पे तुमको आराम से मिल जाते हैं, ओपन ट्रे सीपीयू हैं जिससे कि तुम्हें मतलब ये नहीं कि वो ख़राब दे या फिर उसकी वारंटी नहीं, इसकी वारंटी भी कवर की जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेसर है इसका भी प्राइस तुमको 13000 रुपये मिलेगा, तो इसमें तुमको 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। और मैं पहले ही बता दूं ये एक अनलॉक्ड प्रोसेसर नहीं है, ठीक है, एमडी का यार ये प्रोसेसर अनलॉक्ड नहीं है। और उसके बाद जो इसकी बेस क्लॉक तुम्हें मिलती है वो 3.6 GHz है, और अप टू जो क्लॉक मिलती है वो 4 GHz है, 4.0 GHz है, और ये भी 65 वाट की TDP के साथ आता है। और इसमें जो मैक्सिमम मेमोरी मतलब लगता है वो 128 GB तक तुम लगा सकते हो, और ये DDR4 3200 MHz का सपोर्ट करता है। अब आते हैं इसके IGPU के बारे में जो इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो देखो AMD का राइजन 3200G जो हमारा जो CPU है उसमें तुमको Vega 8 GPU मिलता था, AMD का रेडॉन Vega 8, लेकिन इसमें जो यार GPU मिलता है उसका कोई नाम नहीं है। हाँ इसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो AMD रेडॉन 7 बोलते हैं, लेकिन यार लिटरली मैं जब इसका दोनों का बेंचमार्क किया तो यार ये जो AMD राइजन 3200 से ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है आपको, और इसमें आपको ज़्यादा कोर भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात तो यार स्पेक्स में सेम ही है, लेकिन ये जो अभी बजट में यार फेवरेट CPU अगर बजट गेमर जो PC बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम्हें अमेजन पर जो है अमेजन पे तो नहीं मिलेगा, एमडी कंप्यूटर पर 13000 रुपये प्राइस में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसे बाय कर सकते हो। तो अब बचा इस पूरे पीसी बिल्ड का बेंचमार्क, तो बेंचमार्क देख लो उसके बाद बात करते हैं।
तो अब तुमने बेंचमार्क तो देख ही लिया और तुम्हें पता चल गया कि ये पीसी बिल्ड होने के बाद तुम्हें कैसा परफॉर्मेंस देगा। तो देखो अब तुम लोग से ज़्यादातर लोग कमेंट में यही पूछने वाले हो कि यार अगर मैं फ्यूचर में कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाऊंगा तो कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगाओ। तो मेरा यार एक सजेशन है कि अगर तुम बजट में हो ठीक है और अगर तुम न्यू ग्राफिक्स कार्ड लेने की सोच रहे हो तो यार अभी के समय में RX 570 ग्राफिक्स कार्ड जो है वो सच में बहुत ही अच्छी वैल्यू ऑफर करता है। पहले तो उसका प्राइस 12,000 रुपये 4GB तुमको मिलेगा और वो तुमको 1080p या 60+ FPS मतलब कि GTA 5 में 1080p अल्ट्रा सेटिंग पे जो है ना GTA 5 यार आराम से खेला देगा 60+ 80-87 FPS पे मतलब खेला देता है। और अगर तुम्हें यार वीडियो देखना है कि मैंने 30,000 रुपये में एक AMD का Ryzen 5 3400 BPC बिल्ड किया है तो तुम्हें वीडियो इधर देखने को मिल जाएगी। और अगर तुम्हें देखना है कि मैंने 35,000 में एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी मतलब 35,000 में जो गेमिंग पीसी बिल्ड किया उसमें मैंने ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड किया है और वो तुमको GTA 5 जैसे गेम में यार 80+ FPS देता है